तो आइए आज हम अल्लाह ताला के एक एहसान के तालुक से कुछ बातें देखेंगे, और वो एहसान है आंखें। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी देखने, और अल्लाह ताला ने कुरान में बताया وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, अल्लाह ताला ने तुम्हें कान दिए, तुम्हें आंखें दी, और तुम्हें दिल दिए और सोचने की ताकत दी। हाँ, और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह नहल में सूरह 16 आयत नंबर 78, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, अल्लाह ताला ने तुम्हें सुनने की ताकत दी, कान दिए, وَالْأَبْصَارَ, आंखें दी, وَالْأَفْئِدَةَ, दिल दिए, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह का। तो मुझे आज आप बताइए कि ये आंखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, कितना एहसास हम लोगों को है। आंखें अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है वो हमें जानना चाहिए, दिल में एहसास रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो चलो आप लोग बताओ, आंखों का एहसास अगर चाहिए तो क्या देखना होगा? अच्छी चीजें देखना होगा, अच्छी चीजें देखना होगा। हाँ, ये है शुक्रगुजारी, ये है उसका सही इस्तेमाल, और माशाल्लाह वेरी गुड। हाँ, कुरान पढ़ना होगा, यानी आंखों का एक अच्छा इस्तेमाल, अल्लाह का कलाम कुरान पढ़ने के लिए। हाँ, आंखों का अच्छा इस्तेमाल। और नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के लिए आंखें, आंखें नहीं होगी तो नमाज नहीं पढ़ सकते। आंखें नहीं है अगर किसी के पास तो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हाँ, और बताइए, आंखों का नॉलेज हासिल कर सकते हैं, इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, बिल्कुल सही। और बताइए, अच्छा पता है आपको, जब कोई चीज का एहसास दिल में लाना है ना, किसी ऐसे की तरफ देखो जिसके पास वो नहीं है, किसी ऐसे की तरफ देखो जिसके पास वो नहीं है, तो उस नेमत का एहसास दिल में आता है। और किसके पास नहीं होती है आंखें? अंधे लोग के पास, अंधों के पास, जिन जो ब्लाइंड हैं, हाँ, उनके पास आंखें नहीं होती है। आप उनसे पूछो आंखों की क्या कीमत है। हम लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इतना बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन जिनके पास नहीं है ना, उनसे पूछो जिंदगी अंधेरे में कैसे गुजरती है। हाँ, तो हम लोग ये देखते हैं अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह के एहसान बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि हम गिन नहीं सकते। और वो एहसानों में एक बहुत अहम एहसान है, अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी, और वो आंखों से हमें क्या करना है? देखना है। क्या देखना है? अच्छे चीजें, अच्छी चीजें, अच्छे और अच्छे काम। अच्छा ये बताओ, अच्छे काम देख के सीखने का फिर? हाँ माशाल्लाह, सीखना, देख कर सीखना, क्योंकि याद रखो लाल लकुम तश्कुरून, ताकि तुम शुक्र करो, अल्लाह ताला ने कान दिए, आंखें दी, दिल दिए, ताकि तुम शुक्र करो। तो आंखों से इबरत हासिल करते हैं, आंखों से देखकर आदमी गौर करता है, आंखों से कई निशानियां अल्लाह ताला की दिखती है। हाँ, अल्लाह ताला ने क्यों दिया आंखें? अच्छे इस्तेमाल के लिए। ये बताओ, आंखों का गलत इस्तेमाल मुमकिन है? नहीं, नहीं है मुमकिन। आपको मिलेगा ये इरेजर, क्यों? ताकि गलती को मिटा सको। आंखों का गलत इस्तेमाल मुमकिन है? बताओ, आप बताओ। नहीं, नहीं है मुमकिन। आंखों से गलत इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। कौन बताएगा सही जवाब? कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब आंखों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते तो कोई कर ही नहीं सकता गलत काम, करता है, जैसे कि करना नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने चॉइस दिया, अच्छा इस्तेमाल करना है अच्छा करो, और गलत करना है तो गलत। तो कुरान में क्या दिया पता है अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते बता दिए, और फिर कहा चाहे तो शुक्रगुजार बनो, चाहे तो इनकार करने वाले बनो। तो आंखों का सही और गलत दोनों इस्तेमाल मुमकिन है, लेकिन करना क्या चाहिए? अच्छा इस्तेमाल, अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि क्यों, क्यों अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि जब हम लोग अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह ताला हम लोग को जहन्नम में नहीं डालेगा, अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाएगा, अल्लाह ताला हमें जन्नत देगा, अल्लाह ताला अच्छे कामों का अच्छा बदला देगा। हल जज़ाल इहसान इल्ला इहसान, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, गलत करोंगे तो वही मिलेगा, सजा मिलेगी। तो मुझे बताओ कि आंखों से गलत इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? कौन बताएगा? चलिए, इस जवाब के लिए मैं चाहता हूँ ये पेंसिल्स मिलेगी। हाँ, क्यों आंखों का गलत इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अल्लाह ताला वो आपने बताया, बिल्कुल अल्लाह ताला
انعام بھی دے گا, اللہ تعالیٰ سزا بھی دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے سب کے ساتھ. ہاں اور بتائیے, غلط چیز نہیں دیکھنا چاہیے. کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ میں دیکھ رہا ہوں کسی کو پتا نہیں چلے گا. پتا چلے گا نہیں پتا چلے گا؟ پتا چلے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ اللہ کو پتا چلے گا. آپ بولو, آپ جہاں دیکھ رہے ہو, آپ دیکھ رہے ہو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم سب کیا دیکھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی کو پتا چلے کسی کو نہیں پتا چلے, لیکن کون ہے جس کو سب کچھ پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. نظریں اللہ تعالیٰ کو احاطہ نہیں کر سکتی, دیکھ نہیں سکتی, لیکن اللہ کی پکڑ سب کی نظروں پر ہے. آپ نظروں سے کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پتا ہے آج کل لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرا واچنگ. ہاں کیمرا, ہاں بیویئر. کیوں دکھا ہوتا ہے؟ کیونکہ نا کبھی کچھ چوری ووری کر لے گے, اس لیے دیکھا کیمرا لگا ہوا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ نہیں نہیں توڑنے جائیں گے تو کیمرا وہ بھی ریکارڈ کر لے گا کہ تم نے کیمرے کو توڑا. ہاں کیونکہ کیمرا ریکارڈ کر کے بھیج دیتا ہے. ہاں لیکن ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, کیمرا جو ہوتا ہے نا وہ ایک جگہ لگا ہے دوسری جگہ نہیں لگا ہے. ہاں اسی جگہ پہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جگہ پہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب چیز جانتے ہیں, جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. ہاں اور فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کیا دیکھا. تو آنکھوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اچھی چیزیں دیکھنا چاہیے, اچھی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ والی السماء کیف رفعت, آسمان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. تو ہم لوگوں کو اچھی اچھی چیزیں دیکھ کر غور کرنے کہا گیا. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. اچھا آنکھوں کے غلط استعمال بتاؤ. ٹی وی پہ اچھی چیز دیکھنا اچھا استعمال ہے, ٹی وی پہ چل رہا ہے, اور غلط چیز دیکھنا غلط استعمال ہے. جی اور بتاؤ. اور آنکھوں سے غلط چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے, غلط چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے, غلط چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ دنیا میں ہیں, غلط باتیں نہیں سننا چاہیے. بالکل صحیح. ہاں تو غلط چیز, غلط باتیں آنکھوں سے سنتے ہیں؟ نہیں. کان سے کیا چیز سے سنتے ہیں؟ کان. یس. تو الحمدللہ یہاں پہ ہم نے آنکھوں کے تعلق سے چند باتیں ختم کی, اور آنکھوں کے بارے میں ہم نے چند باتیں دیکھی. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.